आवर चैनल प्रकाश ड्रीम टीम। आज का जो सेकंड मैच है केकेआर वर्सेज राजस्थान रॉयल्स के बीच है। दोनों टीम चाहे कि जीते और दूसरा टीम जो है हारे कम से कम, और नेट रन रेट के आधार पे चौथे टीम में जगह बना पाए। केकेआर की तरफ से देखा जाए तो ये बॉलिंग डिपार्टमेंट पर सिर्फ वरुण चक्रवर्ती ही चलते हैं, बाकी एक दो मैच में लॉकी फर्गुसन ने जिताया है मैच, लेकिन और कोई भी है जो बॉलर बॉलिंग लाइनअप में इनका नहीं चल पा रहा है। इनका एक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव शाइन वरुण चक्रवर्ती हैं जो विकेट लेते हैं। बैटिंग लाइनअप में देखा जाए तो दो मैच में नीतीश राणा मारे हैं, एक मैच में गिल मारे हैं, एक मैच में मॉर्गन मारे हैं। मतलब इस तरह का बैटिंग जो है पूरा कंसिस्टेंसी इनका नहीं चल पाया है। उधर राजस्थान रॉयल का देखा जाए तो अभी जो बेन स्टोक एक सेंचुरी, पिछले मैच में भी हाफ सेंचुरी, तीन विकेट लिया है, बहुत ही अच्छा पिक कर पा रहे हैं। मतलब सबसे बेस्ट अभी प्लेयर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये चल रहे हैं। बॉलिंग में भी उनका बहुत अच्छा चल रहा है। जोफ्रा आर्चर स्टार्टिंग में ही एक दो विकेट लेते हैं, लास्ट में भी कुछ कम किफायती रन देते हैं। देखा जाए तो केकेआर का प्लेइंग 11 जो होगा, शुभमन गिल, नीतीश राणा ओपनिंग करने आएंगे, राहुल त्रिपाठी फर्स्ट डाउन आएंगे, सुनील नारायण, योन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, पैट कमिंस, रिंकू सिंह, नागरकोटी, शिवमामी, प्रसिद्ध कृष्णा। अभी तक ये लोग जो इतने अच्छे बॉलर हैं लेकिन कोई भी पिक नहीं कर पा रहे हैं, विकेट भी नहीं ले पा रहे हैं, रन भी खर्च कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तीन में से एक ही कोई खेल पाएंगे आज। मेरे ख्याल से शिवमामी को खेलना चाहिए। फास्ट बॉलिंग में एक लॉकी फर्गुसन जो बाहरी प्लेयर है, बहुत फास्ट फेंकते हैं, लेकिन ये उनको पावर प्ले में कभी बॉलिंग इन्होंने कराया नहीं है, पावर प्ले के बाद बॉलिंग करवाते हैं, और स्पिन का विभाग वरुण चक्रवर्ती संभालेंगे। इधर से देखा जाए तो रॉबिन उथप्पा स्टार्टिंग में जो नीचे उतरते थे तो कुछ भी रन नहीं मारते थे, 10 11 5 रन मारते थे कम से कम। अब रॉबिन उथप्पा ऊपर में आते हैं, कम से कम 20 30 40 रन मारते हैं, उनका साथ बेन स्टोक देते हैं, मतलब ठीक पॉजिटिव स्टार्ट देते हैं। पॉजिटिव स्टार्ट के बाद स्टीवन स्मिथ पिछले मैच में कुछ रन मारा है और इस मैच में देखिए इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी। संजू सैमसन भी पिछले मैच में कुछ रनों का योगदान दिया था, जिसके कारण राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब के विरुद्ध बहुत अच्छा जीत हासिल किया। जोस बटलर जो है निचले क्रम में आके फिनिशिंग की भूमिका में बहुत अच्छा से निभा रहे हैं, इनको अभी भी मौका नहीं मिलता है, इसलिए जोस बटलर, रियान प्राग, राहुल टेवटिया को इनको भी मौका नहीं मिल पा रहा है। जब ऊपर जोस बटलर को ही मौका नहीं मिल पा रहा है तो इनको कैसे। जोफ्रा आर्चर बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुरेश गोपाल जो है पिछले मैच में एक ही ओवर किया था, इनको जो क्रिस गेल के हाथों आ गए, इनका चार ओवर का कोटा भी पूरा नहीं हो पाया था। मेरे ख्याल से सुरेश गोपाल इस मैच में अच्छा बॉलिंग कर पाएंगे। वरुण अरुण अच्छा बॉलिंग किए थे पिछले मैच में लेकिन विकेट नहीं मिला था, और उनका बॉल पर कैच भी छूटा था। कार्तिक त्यागी अच्छा बॉलिंग करते हैं लेकिन विकेट नहीं मिल पाता है। मेरे ख्याल से आज का जो पिक होगा मेनली बेन स्टोक पर खेलेगा स्टीवन स्मिथ। आज भी जो मैच है दुबई में मैच हो रहा है, जहां जो है ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें कि जो भी टॉस जीतेगी पहले बैटिंग बॉलिंग करना चाहेगी, बाद में वो रन चेस करना चाहेगी, इसलिए क्योंकि ड्यू फैक्टर रहेगा तो बाद में बॉलिंग करना बहुत कठिन हो जाता है, जो कि पिछले मैच में किंग्स इलेवन पंजाब के साथ वही हुआ। 185 रन से ऊपर रन मारा लेकिन फिर भी वो मैच हार गए। और कुछ बोलना था गड़बड़ा। जब ड्रीम टीम बना रहे हैं तो ड्रीम टीम बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरा प्लेइंग इलेवन मैंने बनाया है, देखिए पिछले मैच में दो तीन मैच से बेन स्टोक बहुत अच्छा बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, तो बेन स्टोक तो बहुत सबसे पहले पिक होंगे ही होंगे। उसके बाद फर्स्ट डाउन में जो है मेरे ख्याल से जब राजस्थान रॉयल्स को जरूरत है तो कप्तान स्टीवन स्मिथ से भी उम्मीद है और उम्मीद पे खड़े उतरेंगे। जोफ्रा आर्चर विकेट लेते ही लेते हैं, एक दो विकेट लेना ही है इनको, तो जोफ्रा आर्चर सबसे पहले पिक होंगे। संजू सैमसन भी पिछले मैच में रन मारा था और थोड़ा नीचे ऑर्डर पर आ रहे हैं, ठीक है स्पिनर को खेलते हैं, स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, इसलिए मैंने संजू सैमसन को रखा है। इधर से सुनील नारायण, योन मॉर्गन, सुनील नारायण योन मॉर्गन को रखने का जरूरत है। सुनील नारायण अच्छा बॉलिंग की फायती बॉलिंग भी कर देते हैं और बीच में रन आके अच्छा खासा मार देते हैं। योन मॉर्गन अभी तक एक मैच में या दो मैच में ही वो क्लिक कर पाए हैं, इसलिए आज इन पे भी जिम्मेवारी होगी अपने टीम को टॉप फोर में किसी तरह पहुँचाएं रन रेट सुधार के। वरुण चक्रवर्ती कोलकाता की तरफ से सिंगल स्पिनर जो है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, पूरे सीजन में सिर्फ वरुण चक्रवर्ती ही अच्छा बॉलिंग किए हैं। शुभमन गिल और नीतीश राणा ओपनर, मेरे ख्याल से ओपनर पिक करना मजबूरी है, लेकिन जोफ्रा आर्चर हो सकता है कि एक विकेट ले लेगा, लेकिन अगर एक दो ओवर अगर टिक गए तो ये थोड़ा लंबा खेल जाएंगे। उधर से मैंने लॉकी फर्गुसन बॉलर को रखा है और रॉबिन उथप्पा एक बैट्समैन को रखा है। करीब करीब सेम ही टीम मैंने इधर दूसरे टीम भी मैंने सेम ही बनाया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन मैं चेंज करूंगा। कैप्टन तो बेन स्टोक रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, तो बेन स्टोक को मैंने रखा है। और सेकंड जो मैंने रखा है संजू सैमसन को रख सकते हैं या योन मॉर्गन को रख सकते हैं, चलिए योन मॉर्गन को मैं रख लिया। वीसी में इसलिए रखा है कि फर्स्ट से दो विकेट अगर गिर जाता है जोफ्रा आर्चर को, या वीसी जोफ्रा आर्चर को रख सकते हैं,
मेनली ये भी टीम बना सकते हैं, ये भी टीम बना सकते हैं, ये कभी भी चल सकते हैं, वो शुभ्रा आर्चर कभी भी विकेट ले सकते हैं। अगर बाद में बॉलिंग आता है, अगर राजस्थान रॉयल्स का बाद में बॉलिंग आता है तो मैं भिसी इनको नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बॉलिंग में वो ज़्यादा ड्यू फैक्टर आ जाएगा जिससे इनको दिक्कत हो जाएगा। इधर मैंने फिर वही सेम टीम बनाया है, इसमें भी मैं बेन स्टोक को भिसी लूँगा, बेन स्टोक भिसी रहेंगे और सुनील नारायण कैप्टन रहेंगे, सुनील नारायण, इसलिए क्योंकि सुनील नारायण जो है आज मेरे ख्याल से लग रहा है कि वो थोड़ा रन मारेंगे, क्योंकि टीम को ज़रूरत है और चार ओवर में अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो दो विकेट लेंगे, इसलिए मैंने सुनील नारायण को पिक किया है। एक तीसरा टीम ही बना लेते हैं जिसमें संजू सैमसन या नीतीश राणा या रॉबिन थप्पा तो नहीं, इसको आप शुभमन गिल को कैप्टन बना सकते हैं, सुनील का शुभमन गिल या नीतीश राणा को, और वाइस कैप्टन आप संजू सैमसन को बना सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि मेरा जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। धन्यवाद।